अब स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। आप जानते हैं जो हमारा मूल संविधान है, भारतीय संविधान है, ये इसमें 22 भागों में विभक्त है। 22 भागों में अलग अलग विषय दिए गए हैं, उन सारे विषयों को हम देखेंगे, कौन से पार्ट में कौन सा विषय दिया है, क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछता है कि निर्वाचन किस जो है भाग में है, या आपकी नागरिकता किस भाग में, मूल अधिकार किस भाग में, मूल कर्तव्य किस भाग में। तो इन सारी चीजों को हम एक एक क्रम वाइज देखते चलते हैं कि कौन से भाग में किन चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। तो एक तरफ हम डालते हैं भाग और एक तरफ उनसे संबंधित विषय, यानी कौन किन किन सब्जेक्ट के बारे में हमने उनमें बात की है। तो अगर भाग देखें, प्रथम पहला भाग जो आपका है, ठीक है, इसमें हमने बात किया है राज्यों के संघ या संघ के बारे में, ठीक है। भारत एक राज्यों का संघ है, यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन बोलती है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी चीज, अगर भाग सेकंड की बात करें, भाग द्वितीय में बात की गई है नागरिकता की, सिटीजनशिप से संबंधित जितने प्रावधान हैं ये भाग दो आपका बताता है। भाग तीन की अगर हम बात करें, भाग तीन में बात की गई है आपके मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकारों की बात की गई है भाग तीन में। भाग चार को अगर हम देखें, भाग चार में बात की गई है राज्यों के नीति निदेशक तत्वों की, राज्यों के नीति निदेशक तत्व इसकी बात है भाग चार में। भाग चार ए में अगर हम देखें, या भाग चार का, तो इसमें बात की गई है आपके मौलिक कर्तव्यों की, यानी मूल कर्तव्यों की बात की गई है भाग चार ए में। तो ये आपके पांच पॉइंट्स ऐसे हो गए जो शुरुआत के थे। अब हम बात करते हैं इसके बाद 5, 6, 7, 8 के बारे में, उनमें क्या क्या दिया है। तो अगर हम देखें भाग पांच, भाग छह, भाग पांच की अगर हम बात करें, यानी संविधान का पांचवा भाग, तो संविधान का पांचवा भाग आपका बिलोंग करता है संघ सरकार से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार सकते हैं संघ सरकार। भाग छह में हम क्या पढ़ेंगे, मैं जैसे आपको पार्ट बता रहा हूं इसी अनुसार मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। भाग छह की बात करें तो राज्य सरकारों से संबंधित पूरा प्रावधान इसी भाग में दिया है, ठीक है। भाग सात की बात करें, भाग सात अब आप कर रहे हैं, यानी ये निरसित है, खत्म है। भाग आठ की बात करें तो आपके जितने यूटी हैं, संघ राज्य एक तरीके से संघ राज्य क्षेत्र हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके अब शासन व्यवस्था क्या होनी चाहिए, वहां पर क्या प्रावधान है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, तो 5 से लेकर 8 तक इन्हीं सरकारों के बारे में जिक्र है। क्योंकि यहां अपने यहां केंद्र सरकार के बारे में अलग प्रोसीजर है पूरा सब कुछ, राज्य सरकारों का अपना प्रोसीजर अलग है, इसीलिए संविधान कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि केंद्र के भी बारे में पूरे कानूनों का जिक्र है, डिवीजन ऑफ पावर सब कुछ है। हर एक राज्य आप जानते हैं भारत में 29 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, एक आपका स्पेशल आ जाता है दिल्ली का केस, इन सभी के लिए तमाम बातों का उल्लेख किया गया। संघ राज्य जो आपके शासित प्रदेश हैं 6, उनके बारे में अलग अलग प्रावधान, इन सब वजहों से ही भारतीय संविधान बहुत व्यापक बनता चला गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाग 9 के बारे में स्पेशल। भाग 9 से संबंधित सवाल कई बार पूछा है, क्यों, क्योंकि वो इसमें वो तमाम जरूरी बातें हैं जिनको आज बहुत व्यापक रूप से लागू करते हैं। भाग 9 के बारे में क्या पूछा है, पंचायतों के बारे में है भाग 9, ठीक है। अब आपसे बात करते हैं, 9 के दो पार्ट हैं, इसको बाद में जोड़ा गया। 9A के बारे में जो जिक्र है, इसमें जिक्र है आपके, क्योंकि स्थानीय स्वशासन आप जानते ही हैं, जो अपनी नगर पालिका होती है, ठीक है, शहरों में जो नगर पालिका है, इसके अधिकार, स्वतंत्रता, काम, वित्तीय परिवहन, मतलब तमाम चीजों के बारे में भाग 9 ये बताता है। 9B जो है का, ये सहकारी समितियों के बारे में सारी चीजों का उल्लेख करता है कि सहकारी समितियां, खासकर एक तरीके से इसको ग्रामीण व्यवस्था से आप जोड़ सकते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था में शासन कैसे कैसे चलता है। तो 5 से लेकर 9B तक एक तरीके से ये शासन के बारे में है सब कुछ,
ठीक है, पांच से लेकर नौवीं तक आपका पूरा शासन के रूप में है कि शासन जो है सरकार शासन चलाने के लिए कैसे कैसे सभी की पावर्स डिवाइड की गई हैं। अब मैं बात करता हूं इनसे आगे 10, 11, 12 और 13 की। भाग 10 कई बार पूछा गया, ये 9 वाला खासकर बहुत ध्यान रखिएगा, पूछा है इसको कई बार और अधिकतर एग्जाम में आप देखते हैं पूछ लेता है। भाग 10 जैसा नाम 10, 10 से दल बदल कानून। ऐसा नहीं आप किसी पार्टी टिकट पर जीत गए और उसके बाद जब आप विधायक बन गए तो दूसरी पार्टी में या सांसद बन गए तो दूसरी पार्टी। इस चीज को जो है बाद में ला करके जोड़ा गया, एक कानून लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया, उसके द्वारा दल बदल कानून बनाया गया और यह संविधान के भाग 10 में है। अब हम बात करें भाग 11 में केंद्र एवं राज्यों के बीच में संबंध जो होने चाहिए उसके बारे में जिक्र है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, ये भाग आपके 11 में जिक्र है। अब हम बात करते हैं भाग 12 की, तो भाग 12 में जो जिक्र है ये है आपका वित्त, संपत्ति और संविदाएं या संविदा, इन तीन चीजों के बारे में भाग 12 बताता है आपका, ठीक, फिनांस से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, इन सब विषयों में भाग 12 बात करता है। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 13 के बारे में, अगर देखें तो भाग 13 आपका बात करता है जस्ट इसी के बाद, ठीक है, वो बात करता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वाणिज्य को लेकर क्या क्या होना चाहिए और समागम, व्यापार वाणिज्य एवं समागम यानी आने जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, टैक्स क्या कैसे प्रावधान किए जाएं, इन सब का जो है सारी जो इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं ये भाग 13 में है। अब हम बात करते हैं 14 से लेकर के आगे की, तो भाग 14 के बारे में अगर देखा जाए तो भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, ये सब संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, राज्यों के अधीन सेवाएं। आगे हम बात करें भाग 15 की, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में है, संविधान का भाग 15 निर्वाचन के बारे में, यानी निर्वाचन सभी के लिए अलग अलग ऊपर से नीचे की पोस्ट पर सभी के लिए निर्वाचन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में भाग 15 आपका बात करता है। भाग 16 के बारे में अगर हम देखें तो भाग 16 में कुछ वर्गों को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं, कुछ वर्गों को लेकर विशेष प्रावधान है, ये भाग 16 में सारी चीजें हैं। अब हम देख लेते हैं भाग 17 आखिर आपका, भाग 17 में वो कौन सी हमने व्यवस्था की है भारतीय संविधान में कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। भाग 17 की अगर हम बात करें तो भाग 17 में है आपके राजभाषा के बारे में, ठीक, कि आप राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा के बारे में है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, भाग 17 में राजभाषा। उसके बाद देख लेते हैं 18, 19, 20 को, अगर हम बात करें भाग 18 बहुत ज्यादा जरूरी, क्यों, क्योंकि इसके बाद किसके बारे में इस जो है बात हो गई है, भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में है, आपातकाल के बारे में है, किसमें, भाग 18 में। अब उसके बाद भाग 19 में जो है कुछ प्रकीर्ण के बारे में उल्लेख है, विशेष ये चीजें हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है, कुछ प्रकीर्ण हैं उनके बारे में भाग 19 में है। बाकी 20 में आपका सबसे जरूरी बात क्या, संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन जो है ये भाग 19 में आता है, वो 20 में, सॉरी भाग 20 में संविधान, इसको ध्यान रखिएगा कई बार पूछा, 18 और 20 बहुत जरूरी है। उसके बाद 21 और 22 के बारे में अगर हम बात करें तो 21 में कुछ अस्थाई संक्रमण के बारे में बात है, अस्थाई संक्रमण यानी कुछ दिन के लिए जो पॉइंट आते हैं लागू होते हैं उनके बारे में बात करता है भाग 21।
ठीक है, विशेष उपबंध है, अस्थाई संक्रमण काल से संबंधित विशेष उपबंध है। भाग 22 में संविधान में जितने नाम इससे पहले, जैसे हर एक चीजों को बहुत सारे ऐसे नाम बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो एब्रीविएशंस उनको बोलते हैं, संक्षिप्त नाम। ये इसको भाग 22 में स्पष्ट किया गया है कि किसके लिए कौन सा शब्द हमने इस्तेमाल किया है। तो हमने देखा पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1 से लेकर 22 तक किन किन विषयों के बारे में कौन कौन सा पार्ट बात करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या है वो? शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। आप जानते हैं जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो मूल रूप से भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान की हम बात करें तो आज अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। वर्तमान अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब हम उनके बारे में बात करेंगे कि 8, ये भी हम देखेंगे किस अनुसूची में कौन से विषय हैं, उसके साथ साथ 9, 10, 11, 12 ये जो बाद में जोड़ी गई, तो जाहिर सी बात है बाद में जोड़ी गई, यानी संविधान संशोधन हुआ, तो इससे संबंधित सवाल पूछता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं, 12वीं, इन सभी के बारे में पूछता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसमें एक एक अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इधर मैं लिख रहा हूं अनुसूची और इधर उनसे संबंधित विषय, कौन से विषय किस अनुसूची में आपके रखे गए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहली अनुसूची की, जो अनुसूची आपकी फर्स्ट है, इसमें किस बारे में बात किया गया है, तो पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में इसी का जिक्र है कि आखिर संघ है तो संघ से संबंधित उसके कितने राज्य हैं, उनमें क्या क्या प्रोसीजर है, इन सब से संबंधित जितनी भी सारी चीजें आती हैं वो पहली अनुसूची के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में अगर हम देखें तो दूसरी अनुसूची में जितने भी आपके हायर पोस्ट हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और जितने भी आपके मजिस्ट्रेट्स होते हैं, मतलब जितने कैग है आपका उसी में तमाम आते हैं, तो इन सभी के वेतन भत्ते से संबंधित जितनी बात होती है वो बात होती है दूसरी अनुसूची में, किनके। और एक चीज इसी में, वेतन भत्ता मतलब पद पर बने और पद से रिटायर हुए तो पेंशन भी, ये सारी बात होती है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची की बात करें तो जिन वेतन भत्तों की बात हम इसमें कर रहे हैं, जिन जिन अधिकारियों के लिए, बड़ी बड़ी आपके पदों के लिए, उन सभी का शपथ का प्रारूप क्या होना चाहिए, वो शपथ कैसे ग्रहण करेंगे, उन सभी के बारे में बात करती है आपकी तीसरी अनुसूची। अब हम बात करेंगे अगर चौथी अनुसूची की, चौथी अनुसूची में जिक्र है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो होता है, ये चौथी अनुसूची आपकी बताती है, यानी कैसे कैसे सीटें बांटी जाती हैं हर एक राज्यों को, उनके बारे में बात करता है चौथी अनुसूची। अब इसके बाद हम देखते हैं पांचवी और छठी, इन दोनों से संबंधित सवाल कई बार पूछे गए हैं, मैचिंग से संबंधित सवाल दे देता है अनुसूचियों में कि कौन सी अनुसूची में क्या किया है। तो पांचवी अनुसूची में अगर हम देखें तो पांचवी अनुसूची में जिक्र है, पांचवी अनुसूची जितने भी आपके अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, अनुसूचित जाति से संबंधित और अनुसूचित जनजाति से संबंधित के क्षेत्रों में प्रशासन कैसे होना चाहिए, क्षेत्रों में प्रशासन, इन सब से संबंधित प्रावधान की अनुसूची में है पांचवी। अब जो छठी अनुसूची है आपकी, छठी अनुसूची में, ठीक है, छठी अनुसूची या छठवीं, इस अनुसूची में 4 आपके ऐसे राज्य आते हैं, उन राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं कि वहां पर जो रहने वाले एससी और एसटी हैं उनमें क्या क्या शासन कैसे कैसे होना चाहिए,
इसके बारे में अलग से प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये चार राज्य ऐसे आते हैं जहां पर वहां से संबंधित आपके इन चार राज्यों में जो एससी एसटी की जनसंख्या है उन पर प्रशासन कैसे होगा, कैसी सारी चीजें आती हैं, वो छठी अनुसूची में पूरा जिक्र किया गया है। यानी छठी अनुसूची विशेष रूप से बनाई गई है तो एससी एसटी क्षेत्र के ही बारे में, लेकिन इन चार राज्यों के बारे में विशेष रूप से वो बात करती है। अब इसके बाद देखते हैं सातवीं और आठवीं अनुसूची में क्या क्या है। तो सातवीं जो आपकी अनुसूची है, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध क्या होना चाहिए इस बारे में जिक्र है। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के बीच संबंध कैसे होगा इसके बारे में जिक्र है सातवीं अनुसूची में। वहीं अगर हम बात करते हैं अगली अनुसूची की यानी आठवीं अनुसूची की, तो आठवीं अनुसूची में राज्यों के बीच संबंध या आप इसको शक्ति विभाजन के तौर पर देखें, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन, ये सातवीं अनुसूची है। इसके बाद अगर हम आठवीं की बात करें, आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में जो सारी चीजें बात की गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, इसमें भाषाओं के बारे में बात किया गया है। ठीक है, भाषाओं के बारे में बात किया गया। अभी मैं आठवीं नवीं दसवीं और ग्यारहवीं के बारे में विस्तार से बात करूंगा। आठवीं अनुसूची में आपकी भाषाओं से संबंधित बात है। नवीं अनुसूची की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जिनको नवीं अनुसूची में डाला जाता है। नवीं अनुसूची में अगर विषय देखें कि नवीं अनुसूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं, तो इसमें न्यायिक समीक्षा प्रतिरोधी मुद्दे होते हैं। न्यायिक समीक्षा प्रतिरोधी विषय या कानून, यानी ऐसे कानून जो नवीं अनुसूची में डाल दिए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे कई कानून होते हैं जिनको नवीं अनुसूची में डाला जाता है, क्योंकि इसमें जो विषय शामिल है वो न्यायिक समीक्षा प्रतिरोधी एक तरीके से प्रावधान है, न्यायिक समीक्षा संबंधी प्रतिरोधी प्रावधान। दूसरी चीज इसमें नवीन जो है, नवीन अनुसूची में भूमि सुधार एक्ट के बारे में भी बात कही गई है, भूमि सुधार एक्ट, क्योंकि सबसे पहले जरूरत हमें यही पड़ी थी, भूमि सुधार एक्ट, ये नवीन अनुसूची में है। अब तीन बाकी बची अनुसूचियों के बारे में देखते हैं कि दसवीं अनुसूची, ग्यारहवीं और बारहवीं किन विषयों पर बात करती है, अब उनके बारे में देख लेते हैं। तो आपकी जो दसवीं अनुसूची है, दसवीं अनुसूची, ये दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून या प्रावधान, दल बदल प्रावधान जो किया गया है ये दसवीं अनुसूची में किया गया है। वहीं ग्यारहवीं अनुसूची और बारहवीं अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें, तो ग्यारहवीं अनुसूची बहुत जरूरी है। क्यों? ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज प्रणाली के बारे में जिक्र है, पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली। और सबसे अंतिम जो आपकी है यानी बारहवीं अनुसूची है, बारहवीं अनुसूची में हमने बात किया है विशेष रूप से किसके बारे में, नगर पालिका के अधिकार, नगर पालिका के अधिकार एवं दायित्व, कि उसके अधिकार क्या होंगे, उसके दायित्व क्या होंगे, ड्यूटी क्या होंगे, इसके बारे में हमने बात किया बारहवीं अनुसूची में। अब मैं आपसे बात करता हूं आठवीं नवीं दसवीं और ग्यारहवीं के बारे में। ठीक है, चलिए इन चार के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था। यानी तो एक, अब संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार हो गया तब तो कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी प्रॉपर्टी रखे, मतलब उस पर कुछ हो ही नहीं सकता। और उस समय सरकार का क्या प्रोसीजर था, हम एक लोकतांत्रिक देश में आए थे, हर व्यक्ति को बराबर के उस पर तर्ज पर करना चाह रहे थे, तो सबसे पहली चीज यही आई कि संपत्ति मान लो अगर अधिकार के तौर पर हो गया तो चल अचल प्रॉपर्टी चाहे जितनी कोई व्यक्ति बना ले। तो आप जानते हैं संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, भूमि सुधार कितना एक्ट लाया गया, नौवीं अनुसूची की बात है। क्यों?
क्योंकि ये फिक्स किया गया कि एक व्यक्ति अपने अब जो है नाम से उस व्यक्ति के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इन सभी को फिक्स किया गया। फिर बाकी बची प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। आप जानते हैं आज भी बहुत सारे ऐसे चलते हैं गांव में प्रावधान है जिसके द्वारा, नगर पालिका क्षेत्र में प्रावधान है जिनके द्वारा जमीनें लोगों को आवंटित की जाती है। तो अब हम बात करेंगे नवीं अनुसूची, उसके बाद हम देखेंगे दसवीं, फिर ग्यारहवीं आपकी क्या रही, और फिर बारहवीं अनुसूची जो थी, इन चार के बारे में देख। अगर हम बात करें नवीं अनुसूची की, तो नवीं अनुसूची सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछता है कि नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन यानी आपका 1991। नवीं अनुसूची किस माध्यम से जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा बहुत जरूरी है, प्रथम संविधान संशोधन 1991, वो सॉरी 1951 सॉरी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई कौन सी, नवीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची की अगर हम बात करें, ये जो सेकंड वाला है, दसवीं अनुसूची में इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 52वें संविधान संशोधन 52 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक 52वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है, और यह हुआ था 1985 में। उसके बाद दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं की बात करें, तो ग्यारहवीं अनुसूची जुड़ी थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 1992, हालांकि 93 में हुआ था और 93, ठीक है। तो नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं जो अनुसूची है ये इस हिसाब से संविधान में जोड़ी गई। अब थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा दो अनुसूचियों को विशेष लेकर, वो कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, सातवीं और आठवीं, ठीक है, क्योंकि इनसे संबंधित सवाल पूछता है। इसकी नोट्स मैं आपको बाकायदा शेयर करूंगा, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी हिसाब से पूरी नोट्स है, तो आप नोट्स जो है डाउनलोड करके और फिर प्रिंट करके अपनी जो है तैयारी अच्छी कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं दो अनुसूचियों पर विशेष, कौन कौन सी, आठवीं अनुसूची और नवीं। आठवीं अनुसूची में किस बारे में है, आपने पढ़ा कि यह भाषा के बारे में है। आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। तो भाषा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, भाषा की अगर हम बात करें तो आज केंद्र के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। हमारी 22 ऐसी भाषाएं हैं 22 राज्यों की जो केंद्र सरकार जिनका जो है भाषा के तौर पर संवैधानिक दर्जा उनको मिला है। क्या 22 भाषाएं शुरुआत में ही थी, नहीं, ऐसा नहीं है। 22 भाषाओं को शुरुआत में ही मान्यता नहीं थी, मूलतः अगर हम देखें तो इसमें 14 भाषाएं थी। अगर हम बात करें बेसिक की, तो मूलतः इसमें जो है 14 भाषाएं थी। अब 14 भाषाएं थी, तो इसी के बाद जो जो भाषाएं जुड़ी हैं उनसे संबंधित आपसे सवाल पूछता है 14 भाषाओं में। इसके बाद बात है 1967 की, 1967 की, 1967 में क्या हुआ था कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी एक आपकी भाषा है, सिंधी को संवैधानिक भाषा के तौर पर दर्जा मिला। कब, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। उसके बाद हम बात करें 1992 की, 1992 की बात करें, इसमें 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। 1992 की अगर बात करें, इसमें जो संविधान संशोधन था यानी उसका क्रम था, वो संविधान संशोधन का आपका क्रम था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भाषाएं और जोड़ी गई। कौन कौन सी, तीन भाषाएं थी, नेपाली,
और आपकी मणिपुरी थी और एक थी आपकी कोकड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को जो है इसमें जोड़ा गया। किसमें? आपकी जो भाषाएं हैं संविधान में जिनको मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा तीन भाषाओं को और जोड़ा गया। तो 14 मूल रूप से थी, एक ये आई, 15 हो गई सिंधी, सिंधी के बाद तीन भाषाएं और जुड़ी, 18 हो गई, उसके बाद चार भाषाएं फिर से जुड़ी है क्योंकि आज इनकी वर्तमान संख्या 22 है। 2004 में 52वां जो है संविधान संशोधन हुआ, 2004 की बात है, इसमें 92 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 52वां संविधान संशोधन कब? 2004। और इसके द्वारा चार और भाषाएं ऐसी आई जिनको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया। ये कौन कौन सी थी? संथाली, ये पूछा है कई बार पूछा है, बोडो, एक आपकी है डोंगरी, और इसी में जो एक चौथी आपकी भाषा आती है वो आती है आपकी मिथिला वाली, मैथिली। इन चार भाषाओं को 2004 के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की भाषा के तौर पर, संवैधानिक भाषा के तौर पर इनको मान्यता दी गई। इससे संबंधित सवाल कई बार पूछा है। तो आठवीं अनुसूची के बारे में यह हो गया। सातवीं अनुसूची में अगर हम देखें तो सातवीं अनुसूची में चूंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है, पहले मुझे उसे बताना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सातवीं अनुसूची भी आप एक बार देख लें एक नजर से कि इसमें क्या क्या चीजें, चूंकि सातवीं अनुसूची में, सातवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है। अब केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार से किया गया, तो अपने यहां तीन उसके लिए बाकायदा सूचियां बनी है, तीन सूची के माध्यम से किया गया। उन तीन सूचियों में सबसे पहली जो आती है उसको देख लेते हैं, एक आपकी है समवर्ती सूची। इससे संबंधित सवाल क्या पूछता है कि वर्तमान में इसमें कितने मुद्दे हैं? तो अगर समवर्ती सूची की हम बात करें, इसमें 47 विषय थे शुरुआत में, ठीक है, इसमें शुरू में 47 विषय थे, 47। आज की अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। दूसरी चीज अगर देखें, दूसरी अनुसूची संघ, दूसरी सूची है संघ और तीसरी है राज्य। संघ सूची है तो जाहिर सी बात है इन पर संघ कानून बनाता है, दूसरी सूची है संघ सूची। संघ सूची में शुरू में कितने विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं, अगर इनकी हम बात करें तो संघ सूची में शुरू में विषय थे आपके 97, शुरुआत में इसमें विषय शामिल थे 97, आज इसमें लगभग 100 के करीब विषय हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें 100 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संघ सरकार, केंद्र सरकार आपकी कानून बनाती है। अब हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची की, जो है राज्य, तीसरी सूची, अनुसूची नहीं, तीसरी सूची की अगर हम बात करें, इस तीसरी सूची को राज्य सूची कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संबंधित विषयों पर कौन कानून बनाता है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। और इसमें अगर वर्तमान में शुरुआत में देखें तो 66 ऐसे इशू सेम सब्जेक्ट्स थे जो इसमें शामिल किए गए थे जिन पर राज्य आपका कानून बनाता था, लेकिन इस समय अगर वर्तमान में इनकी दशा हम देखें तो ये 61 विषय ऐसे बचे हैं जिनको राज्य सरकार जो है अपने कानून के अंतर्गत उन पर नए कानूनों का निर्माण करती है। तो ये तीन सूचियों के बारे में हमने बात कर ली कि इन तीन सूचियों में कौन कौन से विषय उस समय और वर्तमान में कैसा इनका प्रारूप है, कैसा स्वरूप है, हमें दिखाई देता है। दोस्तों, आज हमने तीन जो है सब्जेक्ट, तीन विशेष रूप से संविधान के पार्ट्स के बारे में बात किया, उनमें अनुसूची, संविधान के भाग
और सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे। आपको और किन चीजों की आवश्यकता है वो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताते रहे, और लेक्चर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगला जो हमारा क्रम होगा, जिस क्रम में हम आपसे मिलेंगे, वो होगा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।